हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहा माँ की किचन में बनने जा रही है आगरा की फेमस फूली फूली पूड़ियाँ और साथ में जो उसके सर्व की जाती है आलू टमाटर की चटपटी मसालेदार सब्जी। तो दोस्तों, वहाँ पे मात्र 20 रुपए की प्लेट आपको मिलती है खाने के लिए और यकीन मानिए इतनी जबरदस्त ये प्लेट बनके तैयार होती है कि वहाँ पे इसको खाने के लिए लोग घंटों भर लाइन में खड़े रहते हैं पूरी और सब्जी के लिए। तो आज वही फूली फूली पूड़ियाँ हम घर पर बनाएंगे और साथ में बनाएंगे आलू टमाटर की मसालेदार सब्जी। तो चलिए देर ना करते हुए कर लेते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई और कर देंगे गैस का फ्लेम ऑन और इसमें मैंने डाल दिया 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आए तो उसके लिए आप सरसों का ही तेल का यूज़ करें, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। अब जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और साथ में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग। जब भी आप इस तरीके से मसालेदार आलू टमाटर की सब्जी बनाए तो उसमें हींग डालना बिल्कुल भी ना भूलें। हींग से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी सब्जी में। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटर को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया। याद रखिए, यहाँ पे हमें टमाटर की प्यूरी नहीं बनानी है, इसी तरीके से हमें टमाटर को बारीक बारीक कट कर लेना है और टमाटर को हमें इसी तरीके से 2-3 मिनट के लिए फ्राई होने देना है ऑयल में। और साथ में मैंने डाल दिए 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अगर हम टमाटर को ऑयल में फ्राई होने देते हैं तो इससे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक इसका हम मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला और साथ में ले लिया स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हमने डाल दिया पानी और अच्छे से इसका एक घोल बना के तैयार कर लिया है। जब तक देखिए, जो हमारे टमाटर थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं खड़े मसाले यानी कि लौंग, काली मिर्च, इलायची या फिर दालचीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया सब्जी मसाला का और गरम मसाले का भी मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ। तो सारे जो फ्लेवर होते हैं खड़े मसालों के इन्हीं में मिल जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को जो खड़े मसाले होते हैं डायरेक्ट इस तरीके से पसंद नहीं होते हैं। अगर आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने मसाले रखे हुए थे पानी में घोल के वो भी साथ में डाल दिए हैं और फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आएगा सब्जी पर, ये बिल्कुल तीखी भी नहीं होती है। और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारी एक बढ़िया सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। और 2 मिनट के लिए हम इसी तरीके से इसको पकने देंगे, जब तक इसमें जो ऑयल है वो रिलीज ना हो जाए अच्छे से। और देखिए, साइड में जो ऑयल है वो दिखने ना लगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया से एक ग्रेवी में कलर आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा हो कि साइड में ऑयल जो अच्छे से रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आलू पहले से ही बॉईल और मैश करके रखे हुए थे, तो अब इसमें हम डाल देंगे आलू। और एक बात और दोस्तों, कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, बिल्कुल स्किप ना किया करें। और अगर आपको वीडियोज़ में कुछ कमी लगती है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब आलू डालने का एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो सारी ग्रेवी होगी वो आलू के साथ मिक्स हो जाएगी। और मिक्स करने का यहाँ पे अब मैंने डाल दिया करीबन 4 गिलास पानी, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है। यहाँ पे अच्छे से पानी डालेंगे, फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने का दोस्तों, हम सब्जी को पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। धीरे धीरे जब हमारी कोई भी सब्जी पकती है तो उसमें एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमारी सब्जी में बॉईल आने लगा और कितना अच्छा कलर भी हमारी सब्जी पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी देखने में ही। और फिर दोस्तों, इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैंने सब्जी मसाला और गरम मसाला पाउडर दोनों का ही यूज़ किया, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जी में। अब ऊपर से हम डाल देंगे कसूरी मेथी। तो दोस्तों, जब भी आप इस तरीके से कोई सब्जी बना रहे हैं ग्रेवी वाली, तो उसमें आप कसूरी मेथी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। यकीन मानिए, कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारी सब्जी में आ जाता है। यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप फाइनल लुक देख सकते हैं सब्जी की, ये कितनी बढ़िया एकदम चटपटी मसालेदार हमारी ये सब्जी बनके तैयार हुई है। और एक बात और दोस्तों, कि हमें इस सब्जी को ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसी तरीके से मीडियम रस्सेदार हमें ये सब्जी बना के तैयार करनी होती है। तो यहाँ पे बढ़िया सी ये हमारी आलू टमाटर की मसालेदार चटपटी जो सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए, देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। तो इस तरीके से झटपट आप ये सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं किसी भी ओकेजन पे, या फिर आप इस तरीके से जो मैं पूरा कॉम्बो इसका बनाने वाली हूँ वो भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारी बढ़िया सी ये सब्जी तो तैयार हो चुकी है। अब हम बना लेते हैं अपनी बढ़िया सी फूली फूली पूड़ियाँ। चलिए करते हैं हम आगे की वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियों के लिए पहले ही आटा लगा के रखा हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों, जो हमें पूड़ियों के लिए आटा लगा के रखना है वो हमें थोड़ा टाइट लगा के रखना होता है। जब भी हम इस तरीके से फूली फूली खस्ता पूड़ियाँ बनाते हैं तो उसके लिए हमें कभी भी सॉफ्ट आटा नहीं लगाना होता। तो यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा टाइट आटा ही लगा के तैयार किया। यहाँ पे 1/2 पोर्शन आटे का मैं ले लूँगी इस तरीके से, और इस तरीके से आटे को मसलते हुए अच्छे से रोल बना के हम इसका तैयार कर लेंगे।
और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया एक चाकू और एक मीडियम साइज़ की हम इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हमें इसकी लोइयाँ कट करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। तो यहाँ पे एक सार यानी कि एक तरीके की एक बराबर की हमें लोइयाँ कट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बराबर साइज़ की सारी लोइयाँ कट कर ली हैं। जब हम पहले इस तरीके से एक बार में ही लोइयाँ कट कर लेते हैं उससे जो पूड़ियों का साइज़ होता है वो भी सेम आता है और एक थिकनेस की हमारी जो सारी पूड़ियाँ बनके तैयार होती हैं। तो यहाँ पे सारी लोइयाँ मैं उठा के साइड कर दूंगी, केवल एक लोई मैंने यहाँ पे बाहर रखी है। इसको अच्छे से हम रोल कर लेंगे और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़े से ऑयल का। आप ऑयल या घी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से फूली फूली पूड़ियाँ बनाना चाहते हैं एकदम हलवाई स्टाइल में खस्ता, तो आप उसके लिए कभी भी आटा लगा के पूड़ियों को ना बेलें, इसी तरीके से थोड़ा ऑयल या घी लगा के बेलें। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया है थोड़ा सा और अच्छे से इसको बेलते जाएंगे हल्के हाथों से। और जब भी आप ऑयल लगाएं तो ऑयल भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, एक से दो ड्रॉप ही लगाना। और यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया से हमारी पूड़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम बाकी की पूड़ियाँ भी बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इनको बेलना होता है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी पूड़ियाँ बनके तैयार होती जा रही हैं इस तरीके से। और एक बात और दोस्तों कि जब भी हम ऑयल के साथ पूड़ियाँ बनाते हैं तो उससे जो हमारा ऑयल होता है जिसमें यानी कि हम जो पूड़ियाँ फ्राई करेंगे वो भी कभी ख़राब नहीं होता। और जब हम आटे से बनाते हैं तो उसमें आटा काफ़ी आ जाता है, जो ऑयल होता है वो भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमेशा हमें इसी तरीके से थोड़ा घी लगा के या ऑयल लगा के ही पूड़ियों को बेलना चाहिए। यहाँ पे सारी पूड़ियाँ हमारी बेल के तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पहले ही ऑयल अच्छे से गर्म करने रख दिया था कढ़ाई में। और जब आपका ऑयल जो हाई फ्लेम पे गर्म हो जाएगा उसके बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे और उसके बाद ही हम पूड़ियों को डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एकदम खस्ता फूली फूली एकदम हलवाई स्टाइल में पूड़ियाँ बनके तैयार हो तो उसके लिए आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दें। एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही आप पूड़ियों को डालें। और जब पूड़ियाँ अच्छे से अपने आप ऊपर आ जाएंगी उसके बाद ही आप पूड़ियों को पलटें। तो यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया से पूड़ियाँ ऊपर आ चुकी हैं। तो उससे पहले आप बिल्कुल भी ना पलटें और जब ऊपर आ जाएँ उसके बाद हम इनको इस तरीके से पलट देंगे। और दूसरी साइड से भी हम इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरीके से सिकने देंगे। तो यहाँ पे मेन टिप्स यही है पूड़ियों को बनाने के लिए कि आप पूड़ियों को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करें, जिससे कि बहुत ही अच्छा से इनके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाएगा और बहुत ही खस्ता हमारी ये पूड़ियाँ बनके तैयार होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम फूली फूली एकदम खस्ता पूड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूड़ियाँ तो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हमने निकाल लिया बाहर और देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। तो इसी तरीके से बाकी की पूड़ियाँ भी हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। और एक टिप्स और देना चाहती हूँ मैं दोस्तों पूड़ियों के लिए कि अगर आप ऑयल बहुत अच्छे से गर्म कर लेते हैं उसके बाद एकदम डायरेक्ट आप पूड़ियाँ डाल देते हैं और गैस का फ्लेम लो नहीं करते हैं तो उस तरीके से अगर आप पूड़ियाँ सेकते हैं तो उससे जो पूड़ियों पे स्पॉट्स से आ जाते हैं और अच्छे से वो करारी नहीं बनते यानी खस्ता नहीं बनते हैं। और जब आप उनको बाहर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तुरंत वो थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाएंगे। बट इस तरीके से जब भी हम पूड़ियाँ फ्राई करते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक इसी तरीके से एकदम करारी एकदम खस्ता बनी रहती हैं और कभी भी सॉफ्ट नहीं होती हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप खस्ता पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो दोस्तों हमारी तो यहाँ पे आगरा की फेमस आलू टमाटर की सब्जी और फूली फूली पूड़ियाँ बनके हो चुकी है रेडी। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।